देखिए सर, आपके पास वीवो T1 मोबाइल फोन होगा, और वीवो T1 मोबाइल फोन की कंट्रोल सेंटर में डाटा शो नहीं हो रहा होगा, तो गाइस दिन भर में कितना डाटा यूज किया है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वीवो T1 मोबाइल फोन में डाटा को कैसे देख सकते हैं, कंट्रोल सेंटर में कैसे ला सकते हैं डाटा की ऑप्शन। तो गाइस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। यदि गाइस वीवो फोन से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना। तो चलो फ्रेंड्स आज कुछ नया सीखते हैं। तो गाइस यहाँ पर वीवो T1 मोबाइल फोन की डिस्प्ले ओपन हो चुका है, और गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फोन वीवो T1 मोबाइल फोन की सेटिंग की एप्लीकेशन को सिंपली से एक बार टैप करना। सेटिंग के एप्लीकेशन को टैप करते ही गाइस यहाँ पर सेटिंग की इंटरफेस ओपन हो चुका है, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, मोबाइल फोन की सर्च की आइकन को सिंपली से एक बार टैप करना। टैप करते ही यहाँ पर इस तरह का पेज देखने को मिलता है, और तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, डाटा लिख लेना है। डाटा लिख लेने के बाद गाइस यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पर शो डाटा इन्फॉर्मेशन की ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इस ऑप्शन को सिंपली से एक बार टैप करना। टैप करने के बाद गाइस यहाँ पर शो डाटा इन्फॉर्मेशन की ऑप्शन देखने को मिलता है। यदि गाइस आपके मोबाइल फोन में शो डाटा इन्फॉर्मेशन के बटन के ऑप्शन ऑफ रहेगा, तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है। ऑप्शन को ऑन करते ही गाइस दिन भर में कितना डाटा यूज किए हैं वो शो हो जाता है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल फोन के कंट्रोल सेंटर में डाटा कितना यूज किए दिन भर में वो देखने को मिलता है। तो गाइस इस प्रकार वीवो T1 मोबाइल फोन में डाटा शो के ऑप्शन को कंट्रोल सेंटर में ला सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट पर जरूर बताना। अभी के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।